वेलकम वेलकम टू दिस ये अनदर सेशन वाई अर्थ इज राउंड दिस इज अस ओ वन सेशन राइट एंड इन साइंस वन ओ वन यू ऑल नो वट हैपन्स कुछ धमाकेदार करते हैं तो आज क्या है अपने पास वी हैव अ ड्रिल मशीन एंड वी आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट विद ऑफ थिंग्स आज हम समझेंगे अर्थ बनी कैसे हम समझेंगे अर्थ राउंड क्यों है यूनिवर्स कैसे बना प्लान कैसे बने स्टार्स कैसे बने सब राउंड क्यों है राइट यस सो गुड इवनिंग एवरी वन हेलो वेलकम नमस्ते एंड सतम आज का सेशन बहुत स्पेशल है बहुत धमाकेदार है एंड यू हैव टू टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट्स आई यू हिट द लाइक बटन इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल इफ आई एम क्लियरली विजिबल हेलो देखो दो तीन मिनट लेट हो गया थोड़ा ड्रिल मशीन के नखरे हो रहे थे बस अब लेकिन सब शॉर्ट है ट इज ओपी सी किस ओनली टोल्ड मी वंस ओपी मीन्स ओवर पावर्ड ऐसा बच्चों ने बताया था मेरे को भी नहीं बताता पहले हा दिवैंड गुड आंसर बट इसके अंदर और भी लेयर्स है यस सच हेलो हाय हाय सो पीपल टेल मी आर यू एक्साइटेड आर यू एक्साइटेड विद फॉर दीरीज ओवरऑल साइंसल सीरीज है आप लोग के लिए बनाया गया है और इसके अंदर आप लोग रेडी एक्साइटेड कमॉन कमॉन शो मी द एक्साइटमेंट इसमें चाहिए एनर्जी ऐसे काम नहीं होगा आई वॉन्ट एनर्जी आई वॉन्ट लाइक्स एंड लेट्स गो लेट्स गो विद कम राजेंद्र कौन सा सेशन है सेशन है एक क्वेश्चन के साथ वाई अर्थ इज राउंड हाउ अर्थ वॉज फॉर्म कैसे प्लैनेट्स बने कैसे स्टार्स बने सब कुछ इस एक सेशन में राइट right? हम समझेंगे स्पेस के बारे में यूनिवर्स के बारे में आज इस छोटे से सेशन के साथ यस ऑल राइट पीपल लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड इफ समन इज न्यू मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स यू आर अ पार्ट ऑफ द बाई जूज सिक्स टू एट फैमिली एंड मेक श्योर यू प्रेस द सब्सक्राइब बटन नीचे एक लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का उसको दबा दो बगल में उसके घंटा है उसको बजा दो क्योंकि तभी आपको पता चलेगा क्या क्या हो रहा है यहां पर और यहां पर इतना कुछ हो रहा है ना यू कांट इवन इमेजिन राइट ये इट्स ओके और राइट पीपल कमान ठीक है कोई नया है सब्सक्राइब दबा देना भाई क्योंकि बहुत कुछ मिस हो जाता है

खुद के लिए चाहिए एग्जाम दो अगर चाहिए कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड है लेकिन इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अगर उनमें टैलेंट है मेक श्योर यू टेल देम अबाउट दिस थिंग कि आप एग्जाम रजिस्टर करिए कौन सा एंथे एग्जाम स्कॉलरशिप के लिए ऑल इंडिया लेवल पे रैंक आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हमने जेई टॉपर देखे नीट टॉपर देखे एवरीबडीज से एंथे उनको बहुत हेल्प किया इट्स इंपॉर्टेंट एग्जाम ठीक है बहुत प्रस्टीजियस इंपॉर्टेंट एग्जाम है क्लास सेवन से क्लास ट्वेल्थ कोई भी दे सकता है और इस बार नासा जाने का मौका है ऑल एक्सपेंसिज पेड रहना खाना जाना घूमना समझना फ्री ओके okay? एग्जाम कब है फाइव टू थर्टीन सिक्स टू थर्टीन नवंबर लिंक है डिस्क्रिप्शन में एनरोल कर देना फ्री है और अच्छा एग्जाम है ठीक है मैं तो बोलता हूं सारे बच्चे जो हमारे हैं ना यूथ तो आप तो दो कम से कम ठीक है यस yes. हेलो अनुकृति है ना किसी को नहीं पता है पायल और जिसको नहीं पता है उनके लिए और जिनको पता है उनको मैं बता रहा हूं ताकि आप औरों को बताओ आपके घर में पड़ोस में है ना जिन लोग को जिनको थोड़ा लगता है कि है ना थोड़ा इकोनॉमिकली वीकर है उतना पैसा नहीं है लेकिन टैलेंटेड लोग हैं उनको बताओ ठीक है ना नोटिस थैंक यू हैप्पी स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी चीज के साथ ये बग है कितना छोटा है कितना छोटा है है ना चलते चलते दिखेगा आपको ये जल्दी बताओ अगर आप चल रहे हो आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि नीचे ये है इट्स वेरी स्मॉल है ना इट्स अ लेडी बग थैंक यू थैंक यू यस नहीं ऐसा नहीं है।, है ना नहीं दिखेगा एक एक चीज दिखाऊं ध्यान से देखना नोटिस तो वीडियो हुआ था हाँ नोटिस बहुत छोटा है ना हम बहुत बड़े लग रहे हैं अभी सामने सामने इसके बग किधर है हम किधर हैं अर्थ किधर है अर्थ राइट नाउ इज अ टाइनी बग इन दिस होल यूनिवर्स वो बग छोटा था हमारा अर्थ बहुत छोटा है अब दिस इज द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। दुनिया यस yes. यस yes, दुनिया बहुत बड़ी है जो हमको पता भी नहीं चलता है इम्पॉर्टेंट राइट सो हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेन यू चेंज यस्पेक्टिव दर्ल्ड फ्रॉम आउटसाइड बाहर से देखते हैं हमको तब पता चलता है कितनी छोटे हैं हम और कितना छोटा है हमारा अर्थ राइट येस और सोलार सिस्टम इज वेरी 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 स्मॉल यू आर राइट राइट इन दिस गैलक्सी यू कॉन्ट इव इन स्पॉट वेर इज अर्थ है ना यस करेक्ट हाथ्स इंपॉर्टेंट कहानी कहां से चालू हुई तो देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सन भी नहीं दिख रहा है गैलेक्सी के मिडल में पीपल से इट्स अ ब्लैक होल राइट यस करेक्ट ऑल बिगिनिंग कैसे हुआ सारी कहानी कैसे चालू हुई लोग बोलते हैं इट्स ऑल स्टार्टेड फ्रॉम बिग बैंग एक थ्योरी है काफी काफी प्रेवलेंट थ्योरी है सब कुछ चालू हुआ एक धमाके के साथ एक पॉइंट से चीजें फैली लेकिन पता है क्या चीजें बनती कैसे हैं डस्ट और गैसेस के क्लाउड्स होते हैं स्पेस में जो कि इतने लाइट लाइट लाइटियर्स लंबे होते हैं क्या बोलते हैं उनको कैन गिव समिवी अम उस डस्ट और गैस क्लाउड को क्या बोलते हैं विच इज देयर इन स्पेस फ्रॉम विच वी गेट सोलर सिस्टम फ्रॉम विच वी गेट गैलेक्सीज क्या बोलते हैं उस डस्ट क्लाउड को एनीबडी वेरी गुड पिकऑन नेब करेक्ट yes, नेब्यूला nebula. Nebula. उसको बोलते हैं नेब्यूला नेब्यूला so, क्या है डस्ट और गैसेस का क्लाउड है so, क्लाउड लाइटियर्स तक दूर तक राइट हा वेरी गुड वेरी गुड यस इट्स नेब्यूला ओनली नेब्यूला फैला हुआ है दूर तक है ना अब क्या होता है किसी को ग्रेविटेशन के बारे में पता है डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशन एनी वन यस इतना छोटा कैसे और कैसे बना सब कुछ है ना यू नो अबाउट ग्रेविटेशन क्या बोलता है अट्रैक्ट ईच अदर विदोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ना करेक्ट yes. है? है, है ना वो ग्रेविटी है बहुत अच्छी तो अब क्या दिरे, 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 ये डस्ट का क्लाउड है धीरे 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 ये पार्टिकल्स पास में आना चालू करते हैं ठीक है पास में आना चालू करते हैं और सोचो उन्हीं डस्ट पार्टिकल से बना है सोलर सिस्टम ये हमारा सोलर सिस्टम है जहां हम रहते हैं है ना सन है प्लैनेट्स हैं अर्थ भी है उसके अंदर राइट है ना ये बना कैसे अब ध्यान से देखो करेक्ट अब सोचो सोचो आई एक्सप्लेन दिस मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा हाई लेवल भी है लेकिन ध्यान से समझना शायद समझ में आ जाएगा ठीक है अब मैं समझा रहा हूं ध्यान से देखो देखो दो पार्टिकल है लेट से से दो पार्टिकल है ना ऐसे और ऐसे ठीक दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को पास में आएंगे ऐसे ऐसे ठीक है इनका सेंटर है ये बीच में अब इन दो से पार्टिकल के अलावा तीसरा पार्टिकल आ गया उसका सेंटर कहाँ पे है ये बीच में इस तरह से और पार्टिकल आ गए उनका सेंटर कहाँ है बीच में राइट इस तरह पार्टिकल इकट्ठे होते जा रहे हैं राइट पार्टिकल्स आर इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग सब आपस में जुड़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लेकिन सारा फोर्स अगर हम टोटल करें तो फोर्स पता है कैसे काम कर रहा है सेंटर की तरफ ऐसे यस <coughs> yes, है ना हाँ सो पार्टिकल्स आर कमिंग टूगेदर कमिंग टूगेदर कमिंग टूगेदर राइट सो अब एक चीज और हुई उसमें इवन पार्टिकल्स केम टूगेदर अब ध्यान से देखो सन है स है बट इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स है लैंग्वेज लाइक एटमोस्फेर प्रेशर इन अन थिंक ऑफ इट राइट राइट हाँ सो वट्स बड एपन वेन ऑल दीज पार्टिकल्स गेम टूगेदर नो उसकी एनर्जी एंड द प्रेशर बिकेम सो मच के दो तरह की चीजें बनी हमने बोला देखो कि नेब्यूला से ही बने हैं स्टार्स एंड बने हैं प्लैनेट्स बट स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर डिफरेंट नो किसी कोई मेरे को बताएगा बेसिक डिफरेंस क्या है स्टार और प्लैनेट में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट एनी बॉडी स्लाइटली सिक स्टार्स गिव लाइट एंड हीट वेरी गुड वेरी गुड अश्विन वी आर नॉट कोलाइडिंग विद क्वेश्चन वेरी गुड प्लैनेट्स डू नॉट है ना, लेकिन दोनों बने हैं सेम चीज से ही राइट ये भी एक चीज है है ना? हमने देखा सन सन क्या है स्टार है नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज सन ओनली ओके उसके अलावा वट डू वी हैव दिस इज आर सन एंड ऑल दीज आर प्लैनेट्स मर्क्यूरी वीनस अर्थ मास जुपिटर सैटन यूरानस नेपटच्यून सो ऑल दीज आर प्लेनेट इन आर सोलर सिस्टम राइट बहुत अच्छे कैसे हुआ ये सब राइट right? अब मैं ध्यान से समझा रहा हूं समझना इस चीज को देन ऑल द पार्टिकल्स वेदर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वट है पार्टिकल जब पास आए ना इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन चालू हो गया सन पता है क्यों लाइट एमिट करता है सन के अंदर फ्यूजन एंड फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम सुना है किसी ने यस yes? नहींक्विज नहीं, नहीं होगा एक्सपेरिमेंट है इस सेशन में, लेकिन राइट न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम सुना है किसी ने न्यूक्लियर फ्यूजन यस है ना हाँ प्रेशर कैसे होगा जब इतना सारा पार्टिकल्स इकट्ठे होते चले जाएंगे ना और नजदीक आते रहेंगे एक दूसरे के इससे प्रेशर प्रोड्यूस होगा सो so, जब इतना प्रेशर हो जाएगा तो क्या होता है टेम्परेचर भी बढ़ता है डेंसिटी भी बढ़ती है और न्यूक्लियर फ्यूजन जब चालू हो जाता है तब क्या होते हैं दो एटम्स मर्ज होकर एक नया एटम बनाने लगते हैं जैसे कि दो हाइड्रोजन अगर फ्यूज होंगे तो उससे हीलियम बन जाएगा उसमें बहुत एनर्जी निकलती है ये होता है स्टार के अंदर तो पहले क्या हुआ स्टार बन गया ऐसे एक स्टार बन गया लेकिन उसके आसपास डस्ट अभी भी घूम रही है है ना स्टार के आसपास क्या है? डस्ट घूम रहा है डस्ट इज रोटेटिंग अराउंड द स्टार नाउ दिस डस्ट ऑल्सो स्टार्ट फॉर्मिंग क्लम्स ऐसे 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 गुच्छे बनने लगते हैं वो गुच्छे क्या बनते हैं प्लेनेट फ्यूजन सी फ्यूजन एंड फ्यूजन बोथ हैलियर फिजन होता है एक बड़ा एटम टूट के दो एटमेट बने दिजन ओके यस सो क्या हो गया इस तरह से गुच्छे बनते गए उस स्टार के अराउंड एंड दट इज हाउ द प्लैनेट्स वर क्रिएटेड यस

फ्यूजन मतलब होता है टूटना फ्यूजन फ्यूज करना फ्यूज तो चॉकलेट भी आता है अंडरस्टैंड वेरी गुड वेरी गुड है ना अब क्या है किसी को पता है इसके अंदर इस लिस्ट में एक नाम और हुआ करता था देर वॉज वन मोर नेम इन दिस लिस्ट लेकिन उसको हटा दिया गया क्या नाम था वो फ्यूजन मतलब जुड़ना फ्यूज फ्यूजन मतलब फिज फ्यूजन टूटना प्लूटो हाँ, प्लूटो के साथ क्या हुआ वट इज लुकिंग लाइक अर्थ हा इज वेरी हॉट गैलेक्सी में हो जाएगा यस सो मेनी अर्थ कैन फिट इन सन एग्जैक्ट नंबर आई डोंट नो बट हाँ बहुत बड़ा है सन अर्थ से तुम यस टूडेज हिंदी डे हापी हिंदी डे ठीक है इट वॉज प्लूटो यू आर राइट इट वॉज प्लूटो प्लूटो को बाहर कौन निकाला प्लूटो को बाहर कौन निकाला सडनली समे कोई आया है ना देवर्स वन ऑर्गेनाइजेशन उसने बोला कि पता है क्या ये प्लूटो जो है ये क्वालिफाई नहीं करता है इसके नंबर कम है इसको जरा क्लास से बाहर निकालो किस चीज में कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ प्लूटो अब ये समझते हैं ना सो लेट्स अंडरस्टैंड इन विच सब्जेक्ट प्लूटो फेल्ड इन विच सब्जेक्ट प्लूटो फेल्ड सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड क्यू बाहर निकला ठीक है रेडी रेडी जल्दी बताओ मास नाई यस yes, चलो देखो

वेरी गुड पाउशाइन वाई इज अर्थ राउंड गुन गुन वाई इज द अर्थ राउंड हमने यही तो स्टार्ट किया था हमारा क्वेश्चन है धरती गोल क्यों है क्राइटेरिया टू बी अ प्लान बी राउंड यू शुड बी स्पेरिकल क्यू आई टोल्ड यू ऑल दो मॉलिक्यूल्स नो विच आर कमिंग टूगेदर इन द एंड इट इज अट्रैक्टिंग ऑल द पार्टिकल्स टूवर्ड्स द सेंटर है ना अब पता यहां पर मैं एक चीज लेके आया हूँ ये काम तुम लोग घर पे करोगे तो डांट पड़ सकती है लेकिन मैं क्या है? मैं चुरा के लेके आ गया घर से हमारे घर पर रखा था आटा है ना मैं आटा उठा के लेके आ गया तो दिस इज वॉट दिस इज द गोला ऑफ आटा राइट कैन यू आइदर मेक मी बिग और जूम यस टूडे विल अंडरस्टैंड वाई राउंड ठीक है राइट कैन यू मेक ए बिग और यू कैन यू जूम ऑन दिस पार्ट चुना अरे ऐसे होता था ना हम जब छोटे थे तो घर पे मम्मी के आटा आटा जब गूंजती थी हम बोलते थे मेरे को थोड़ा सा दे दो हम क्या उसे चिड़िया बना रहे हैं कभी कुछ बना रहे हैं कभी कुछ बना रहे हैं ऐसे करते थे है ना राइट सो दैट दैट यूज टू हैपन सो इन दिस लेट से दिस इज एन आटा है ना आप कोई भी शेप ले लो लेट से यू टेक क्ले यू टेक डो है ना आप अगर पेपर लोगे राइट करेक्ट यस अर्थ इज राउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी तो अब क्या है हाँ चिड़िया बनाते so, मान लेते हैं कि वॉट एवर शेप यू हैव है ना मे बी यू अ शेप लाइक कोन मे बी यू हैव अ कोन लाइक शेप मे बी यू मे मेबी यू हैव एनी थिंग अगर आटे को ध्यान दिया है गोल होता है थोड़ा अगर मैं इसको ऐसे दबाना चालू करूंगा हर तरफ से इफ आई अप्लाई फोर्स ऑन दिस डो फ्रॉम एवरी साइड फाइनली यू नो वट आई विल गेट आई विल गेट स्फीयर राइट गेट अर यस मेरे को स्फियर मिलेगा अगर मैं इसको हर तरफ से इक्वल फोर्स लगाऊंगा अंदर की तरफ क्या मिलेगा इज आस्किंग नॉट कोलाइडिंग विद क्यों क्योंकि हमारा अर्थ पता है सन यहां पर है और अर्थ यहाँ पे है हम ऐसे चुपचाप खड़े नहीं है हम घूम रहे हैं बॉडी जब घूमती है तब तो वो अंदर नहीं गिरती है राइट right? एक वीडियो है यूट्यूब पे वाई डून फॉल इन टू अर्थ वॉच दैट आदित्य है ना यस yes. ठीक है सो so, ये एक कॉन्सेप्ट है ठीक है अगर हम फोर्स लगाएंगे हर तरफ से टूवर्ड सेंटर हमें क्या मिलेगा स्फीयर ओके यस ठीक है ये हुआ एक एक्सपेरिमेंट अभी ड्रिल मशीन वाला बाकी है ठीक है यस सो दैट्स व्हाई अ प्लैनेट मस्ट बी राउंड पहला क्राइटेरिया पहला पासिंग मार्क है यू शुड बी राउंड तभी आप प्लैनेट कहलाओगे ओके यस नेक्स्ट व्हाई नॉट अदर शेप्स क्योंकि मैंने अभी दिखाया आपको कि इफ यू अप्लाई शेप्स

प्लैनेट मस्ट ऑर्बिट द सन आप प्लैनेट कहलाओगे पहला अगर आप राउंड है सेकेंड इफ यू आर ऑर्बिटिंग द सन ओके यस अ प्लैनेट मस्ट ऑर्बिट द सन देन ओनली यू विल कॉल अ प्लान ठीक है दो पासिंग मार्क्स पता चल गए गॉट यू गॉट टू पासिंग मार्क्स राइट थर्ड दिव्याशु हाँ समझ गए एस्ट्रॉइड हैव सी एनीथिंग दैट हैज मास नो इट हैज ग्रेविटी सो सुपर स्वयं एस्ट्रॉइड ऑल्सो है प्लैनेट मस्ट ऑर्बिट द सन ये सेकेंड क्राइटेरिया थर्ड क्राइटेरिया क्या है? एक जो है ना उसके आसपास का एरिया साफ होना चाहिए क्यों क्योंकि प्लेनेट का ग्रेविटी ज्यादा होना चाहिए ताकि थोड़ा मोड़ा जो उसके आसपास का एरिया है ना वो तो अपने अंदर ले ले और क्लीन कर दे दिस इज इंपॉर्टेंट राइट थर्ड अब क्या लगता है प्लूटो किसमें फेल हुआ होगा वट इज ऑर्बिट अच्छा अनन गुड क्वेश्चन ऑर्बिट इज द सर्कुलर पाथ इन विच द बॉडी इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन है ना वो सर्कल वाला पाथ जिसमें बॉडी या फिर प्लैनेट सन के अराउंड गोल गोल घूम रहा है प्लूटो कहां फेल हुआ पायल एक वीडियो है पे कहाज मून मून फॉल इन टू अर्थ वो वाला वीडियो देखना ये वाला डाउट क्लियर हो जाएगा मेरे को अभी टाइम लगेगा समझाने में है ना थर्ड वाला सेकेंड वाला अच्छा मेरे को बताओ प्लूटो राउंड है प्लूटो राउंड है एक करते हैं प्लूटो राउंड है यस और नो यस है ना प्लूटो इज राउंड ठीक है फर्स्ट क्राइटेरिया पास प्लूटो बेटा यू आर पास इन द फर्स्ट वन सेकंड वाला प्लूटो इज ऑर्बिटिंग द सन क्या बात सच है क्या प्लूटो सन को ऑर्बिट कर रहा है बताओ यस हा प्लूटो इज ऑल्सो ऑर्बिटिंग द सन लेकिन पता है एक प्रॉब्लम क्या है प्लूटो के साथ प्रॉब्लम है थर्ड वाले में दिस वन फर्स्ट इज चेक चेक थर्ड फेल द पाथ ऑफ प्लूटो इज़ नॉट क्लियर देर आर देयर एंड आर अदर 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 मटेरियल्स तो प्लूटो यहां पर फेल हो गया एंड दैट इज वाई प्लूटो इज क्राइंग ठीक है इसलिए प्लूटो प्लू प्लू को बोला गया बेटा यू आर नॉट अ प्लेनेट यू आर अ डोर्फ प्लान मतलब यू आर अ छोटू प्लान

ये बताओ नो यस नो हाँ आंजी यूर राइट वेरी गुड अच्छा क्यों लगता है क्यों ऐसा है कि अर्थ परफेक्ट स्पियर हम नहीं बोलते हैं. देखो हम पढ़ने के लिए बोलते हैं कि स्फियर है लेकिन परफेक्ट स्पियर नहीं है क्यों एनी गैसेस कोई गैस करेगा नाइस nice, स्वयं वेरी गुड अनेक नाइस बिकॉज ऑफ मून नो बल जॉन इक्वेटर तो करेक्ट सही बात है वेरी गुड सुजल बिकॉज ऑफ माउंटेन नाइस यार वेरी गुड आंसर यू आर गिविंग वेरी नाइस यस यू यूर राइट देखो ये चीज ना ये वाला कॉन्सेप्ट ये चीज समझाने के लिए अर्थ का प्योर प्योर स्पीयर शेप नहीं है इसका शेप को बोलते इसके इक्वेटर पे इक्वेटर क्या होता है इक्वेटर पता है ना इक्वेटर है ये ऐसे है ना इक्वेटर का डायमीटर है डायमीटर है वन टू सेवन वन फोर यानी कि इक्वेटर की साइड से अर्थ बड़ा है फ्रॉम पोल्स इट इज लिटिल शॉर्ट है ना थोड़ा सा शॉर्ट है करेक्ट है ना यानी कि ऐसे है प्योर स्फीयर नहीं है राइट राइट हा राइट दिस इज कॉल्ड एज जियोइड दिस दिस स्फीयर और दिस काइंड ऑफ इसके बहुत नाम है मैं बताऊंगा दोनों क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं स्फीरोइड स्फीरोइड भी बोलते हैं एलिप्सॉइड भी बोलते हैं जियो भी बोलते हैं ना सो परफेक्ट स्फीयर नहीं है ये तीन नाम है इसके लेकिन ऐसा है क्यों इट्स गुड क्वेश्चन डू यू नो देखो अर्थ क्या है सन के अराउंड तो घूमता है और क्या करता है दिन और रात क्यों होते हैं वाई डू वी हैव डे एंड नाइट ऑन सन केशव आई थिंक इट इज मर्क्री आई एम नॉट श्योर यस रोटेटिंग वेरी गुड अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग राइट करेक्ट कोई गैस करेगा कितना तेज अर्थ रोटेट करता है एनी बडी वैस वीनस हाँ मेरे को लग रहा था मरकरी वीनस में कोई है यस yes. हाँ यस yes, यस yes. कोई गैस करेगा कितना कितना तेज रोटेट करता होगा ऐसी रैंडम मल्टी टास्क बहुत धीरे है ना और ये बहुत अच्छा आंसर है बहुत धीरे वाला <laughs> क्यों सर हम भी यहीं बैठे हैं है ना हम भी अर्थ पे हैं अगर अर्थ घूम रहा है हमको पता ही नहीं चल रहा कुछ भी है ना सही बात है वो धीरे ही करता होगा वन किलोमीटर पर सेकेंड धीरे ही करता होगा राइट आई टेल यू इफ आई टेल यू कि अर्थ पता कितना करता है ये एयरप्लेन दिख रहा है एयरप्लेन अच्छा फास्ट होता है द स्पीड ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटर इक्वेटर पे कोई भी पॉइंट ले लो उसका स्पीड पता है कितना होता है डबल ऑफ द टॉप स्पीड ऑफ योर एयरप्लेन डबल द टॉप स्पीड ऑफ योर एयरप्लेन कितने लोग प्लेन में बैठे अगर आप बैठे हो ना प्लेन में आपको पता है प्लेन अच्छा खासा तेज होता है है ना उसका डबल यस yes, हम भी साथ में घूमते हैं हम घूम रहे हैं अभी इस टाइम पे यस yes, ट्रू ये सच बात है इसका स्पीड है वन सिक्स सेवन फोर किलोमीटर्स पर आवर आपका जो प्लेन है कमर्शियल प्लेन है ना ये लगभग 700 टू 800 किलोमीटर पर आवर तक होता है यस हम भी साथ में घूमते हैं यस दैट्स ट्रू लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है एक बात बताओ मेरे को एक चीज कोई बताएगा वो जो एक झूला होता है ऐसे उसको बोलते हैं मेरी गो राउंड ऐसे वाला है ना कितने लोग बैठे हैं उस पर कौन कौन बैठा है उसपे जल्दी बताना एक ऐसा झूला होता है ऐसे फ्लैट होता है और उसको ना ऐसे ऐसे धक्का देते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे घूमता है वो फ्लैट में कौन कौन बैठा है उसमें कोई कोई बैठा है बैठे हो है ना एक चीज बताना मेरे को वेन एवर यू आर ऑन द कॉर्नर जब से कोने में हो पकड़ना पड़ता है ना ऐसा लगता है हमको फेंक रहा है बाहर डू यू फील दैट यू आर बींग यू आर बींग थ्रोन आउट ऐसा लगता है फीलिंग आती है, है ना यस yes, बहुत सही और वही चीज हम अगर सेंटर में बैठ जाएं सेंटर में क्या होता है सेंटर में हम केवल ऐसे 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 करेंगे है ना सेंटर में अपने को चक्कर आएंगे क्योंकि हम ऐसे ऐसे घूमेंगे बस लेकिन हम अगर बाहर हैं तो क्या होगा हमको पकड़ना पड़ेगा क्यों क्योंकि हमको ऐसे फेंक रहा होगा वो ऐसे है ना यस yes, करेक्ट सही बात है हाँ डर लगता है और अगर छोड़ दिया बाहर धक्का खाते हैं हम तगड़ा है ना यस yes, यही हो रहा है और अर्थ की पता है ग्रेविटी कॉन्स्टेंट नहीं है हर जगह मैंने अभी जो समझाया उसी वजह से ग्रेविटी कॉन्स्टेंट नहीं है लेकिन एक चीज और कर लेते हैं अब हमारी अर्थ नहीं लगता ना नहीं लगता ना अब दोबारा लेके आते हैं अपने आटे के गोले को ये है हमारा अर्थ है ना ये है हमारा अर्थ यस बट अर्थ इज जियो क्यों है अगर इफ यू अंडरस्टूड द झूला वाला थिंग इफ यू अंडरस्टूड दैट अभी जो मैंने समझाया झूले वाला है ना अब उसको ट्राई करेंगे और उसके लिए चाहिए हमको ड्रिल मशीन कैन यू कैन यू मेक ए बिग यस ठीक है अब उसके लिए हम क्या करेंगे मान लो ये है आपका अर्थ ठीक है मैं क्या कर रहा हूं अर्थ के बीचो बीच आई एम पुटिंग इट इन द ड्रिल मशीन ठीक है अब ध्यान से देखना अर्थ हमारा अभी स्पीयर है ठीक अभी हमारा अभी हमारा अर्थ स्पियर है ठीक है ये हुआ इक्वेटर ये ऊपर के दोनों हुए पोल्स ठीक है अब ध्यान से देखते हैं मैं घुमाऊंगा इसको मैं हल्का घुमा रहा हूं और आई कैन सी इट कि यहां से ये ये फैल रहा है ऊपर से छोटा हो रहा है और अगर जोर से घुमाऊं क्या होगा देखें क्या हुआ दिखा कैन यू सी इट फ्लैट हो गया डोंट ट्राई द सेट होम हाँ बहुत जरूरी है <laughs> आटा फट जाएगा है ना दिख रहा है किसी को ये चपट्टा हो रहा है भाई देखो ओहो तो बिल्कुल तो चपट्टा हो गया गॉड एट आ लुक लाइक मोमोज अब देखो हमने क्या बोला डिस्कलेमर डोंट ट्राई द सेट होम हम स्टार्ट किए थे स्फियर से अभी ये क्या बन गया है ये तो फ्लैट बन गया है ये डिस्क बन गया है भाई सेम थिंग इज हैपनिंग विद क्या है रोटेट कर रहा है मतलब इक्वेटर फैल गया पोल्स पास आ गए इस आटे की तरह गेटिंग इट ये समझ में आया समझ में आया ये चीज डोनट तो हो गया क्योंकि मैंने छेद कर रखा था यस yes, डोनट ये इसलिए हो गया क्योंकि मैंने छेद कर रखा था ठीक है यस yes. हाँ अब इसको घर लेके जाएंगे और रख देंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ ठीक है यस, yes! करेक्ट तो ये समझ में आया <laughs> मजा आया ये बताओ <laughs> ठीक है एक क्लियर हुआ ना कि अर्थ क्यों क्यों फैला हुआ है इक्वेटर से और पोल से क्यों फ्लैट है ना मजा आया समझ में आया ठीक है बहुत ज्यादा <laughs> ये जरूरी है हाँ नहीं नहीं अर्थ में ड्रिल नहीं करते हैं लेकिन अर्थ घूम रहा है ना तो अब आटे को घुमाने के लिए कुछ तो करना पड़ता इसलिए मैंने छेद किया है ना यस yes. तो अब एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है मैंने बोला कि ग्रेविटी सोचना और आंसर करना ठीक है यस yes. एक छोटी सी समरी हाँ गुड okay, गुड देखो हमने क्या पढ़ा आज आज हमने पढ़ा कि एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम फ्रॉम से अ एक डस्ट क्लाउड था स्पेस के अंदर उस डस्ट क्लाउड से क्या हुआ एक स्टार बना पहले बिकॉज ऑफ ग्रेविटी थिंग्स केम टूगेदर प्रेशर हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन चालू हुआ सन बना सन के अला, आसपास डस्ट थी वो डस्ट क्या है ना ऐसे क्लंप बनते बनते प्लैनेट्स बन गए दिस इज हाउ सोलर सिस्टम वॉज फॉर्मड उसके बाद क्या हुआ हर चीज राउंड है क्यों है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी राइट हर चीज ग्रेविटी की वजह से स्फेर, स्फेरिकल शेप में है प्लैनेट्स राउंड होने चाहिए सेकेंड अ प्लैनेट शुड है क्या पढ़ा हमने प्लान के क्राइटेरिया क्या है भाई तीन क्राइटेरिया क्या है पहला था प्लैनेट शुड बी राउंड ओके सेकंड शुड बी प्लैनेट शुड बी ऑर्बिट वेरी गुड प्लैनेट शुड ऑर्बिट द सन और थर्ड है प्लैनेट के आसपास का एरिया खाली होना चाहिए है ना यस हा सृष्टि अगर घूमना बंद कर दिया ओहो पायल इट्स इसे करेंगे किसी दिन, what if? Right? हाँ, हाँ, गंदा रहना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट है ना इसी वजह से प्लूटो बाहर हो गया था ठीक है आज समझा हमने अर्थ फॉर्म कैसे हुआ अर्थ राउंड क्यों है प्लूटो क्यों बाहर हुआ और अर्थ हमारा परफेक्ट स्फीयर नहीं है इसको बोलते हैं ओब्लॉइड और जियोइड शेप है ना इक्वेटर से बाहर बल्ज है पोल से थोड़ा चपटा है राइट सो दिस इज वॉट वी हैव अंडरस्टूड और आपके लिए क्वेश्चन है घर पे करने के लिए कॉमेंट में डालने के लिए ग्रेविटी अर्थ पे हर जगह सेम है क्या और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ठीक है यस माई हेड और अर्थ आई थिंक माई हेड इज मोर राउंड यस चलो टेलीग्राम पे मेक श्योर यू रजिस्टर क्योंकि नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में मेक श्योर यू क्लिक टेलीग्राम क्यों क्योंकि लाइक right? yes, sure like like करो तुमको अच्छा लगा तुमको समझ में आया कुछ नया सीखने मिला है ना लोगों को और मेहनत करने का मन करेगा ताकि बच्चों को और समझ में आए और अच्छे से समझ में आए ठीक है

तुम तो अगर अच्छे से लाइक और कमेंट करोगे तो दिखा देंगे घर पे पर भाई आटा लेके आए थे बच्चों के लिए बच्चे खुश हो गए अगर तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे तो क्या होगा पता है घर पे बोलेंगे अरे यार आटा वेस्ट कर दिया तुमने ठीक है यस दिस इज ऑल फॉर यू गाइज ठीक है यू आर एन अमेजिंग ऑडियंस आई एम प्राउड ऑफ यू एंड मेक श्योर यू रॉक योर मिड टर्म्स ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी हम लोग फुल कोशिश करेंगे आपको और समझ में आए ठीक है यस थैंक यू पीपल हाँ कुछ लोग फ्लैट अर्थ भी बोलते हैं वो बेकार है आर्ग्यूमेंट ही बेकार है यस चलो Take care. See you soon. And bye bye. याना ध्यान Bye bye.